नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक और आप सबका इलेक्ट्रो प्लैनेट पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ i12 TWS ईयरफोन्स, तो जो कि मैंने ग्लोरोड नाम के एक वेबसाइट से लिया था। तो TWS का फुल फॉर्म है ट्रू वायरलेस स्टीरियो i12, जैसे कि बॉक्स पे लिखा है। तो सबसे पहले फिजिकल ओवरव्यू बॉक्स का, तो यही बॉक्स जो मुझे रिसीव हुआ था। तो इसके ऊपर बस ये वाले प्लास्टिक की पॉलीथीन की सील चढ़ी हुई थी। जब आप परचेस कर रहे हो ये जरूर देखना कि इसके ऊपर ये वाले पॉलीथीन जैसी सील चढ़ी हुई कि नहीं। जो सब बॉक्स की तरफ ध्यान देते हैं तो फ्रंट साइड पे आप देख सकते हैं एयरपॉड्स की फोटो बनी है, जैसे कि ओरिजिनल एयरपॉड के बॉक्स में होता है। तो यहाँ पे लिखा है TWS i12, यहाँ पे उसका फुल फॉर्म, यहाँ पे लिखा है ऑटो पावर ऑन ऑटो पेयरिंग 5.0। फिर यहाँ पे इसकी फीचर्स लिखे हैं ऑटो पावर ऑन ऑटो पेयरिंग, टच यूजिंग सीरी, ओपन लिप, ओपन लिड होना चाहिए, ओपन लिप यहाँ पे लिखा है, एंड कनेक्ट ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम और यहाँ पे वर्जन और एग्जैक्टर और यहाँ पे एयरपॉड्स का ये फोटो बना है और यहाँ पे दिखाया कि लाइटनिंग केबल जो आईफोन या फिर ओरिजिनल एयरपॉड चार्ज होता है तो सेम टाइप के केबल से चार्ज होता है। तो यहाँ पे लिखा है मेड इन चाइना। तो यही था इस बॉक्स में, दोनों तरफ सेम टाइप की टच की हुई है। तो जल्दी से इस बॉक्स को खोल लेते हैं, अंदर देखते कैसा है। जैसे ही मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ, इसको स्लाइड ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट अवे हमको मिलता है i12 TWS एक ब्लू कलर के टेप में लगा हुआ, यूजुअली एप्पल के उसमें ऊपर और थोड़ा एक डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया वो सब लिखा हुआ एक पाउच जैसा आपको मिलता है। तो इसको साइड में रखते हैं फिलहाल के लिए। और उसके ऊपर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लो क्वालिटी का अंदर कुछ तो चाइनीज में लिखा हुआ i12 लिखा है यहाँ पे, ये लो क्वालिटी के प्लास्टिक पे यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसको भी साइड में रखते हैं। तो और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक चार्जिंग केबल मिलता है हम लोग को, जो कि लाइटनिंग केबल है। तो ये अच्छी बात है कि ये लोग ने मेंटेन किया है कि एप्पल के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए, एप्पल की तरह ही जो आईफोन यूजर्स है तो उनके लिए तो काफ़ी कंफर्टेबल सा है। यहाँ पे भी देख सकते हो लाइटनिंग पोर्ट है, और इसके अलावा यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल इंग्लिश एंड चाइनीज बोथ लैंग्वेज में। तो इंग्लिश में आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं सब कुछ। इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट की तरफ ध्यान देते तो हम स्ट्रेट अवे इस वाले टेप को निकाल सकते हैं। टेप को निकालते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शाइनिंग सिल्वर कलर में i12 TWS एकदम स्ट्रेट अवे एयरपॉड्स की तरह एकदम सिमिलर लुक्स में, और यहाँ पे बटन थोड़ा सा पॉप्ड अप है, उतना ऐसा नहीं रहता। तो आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा कि मैंने परचेस किया होगा यहाँ पे i12 TWS अमेज़ॉन से भी, तो अमेज़ॉन से मैंने ये परचेस किया था। आप देख सकते हो किस कंडीशन में है, यही कंडीशन में मेरे को अमेज़ॉन से आया। तो मैं आपको यही प्रीफर करूँगा कि आप अमेज़ॉन से परचेस ना करें। मैंने जो ग्लोरोड के वेबसाइट से परचेस किया था, आप भी उधर से परचेस करें। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो फिजिकल ओवरव्यू, यहाँ पे क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी जो एयरपॉड्स की जो क्वालिटी रहती है एकदम उसके जैसी नहीं है। आप अगर आपने कभी एयरपॉड यूज़ किया होगा तो आपको इंस्टेंटली इसका क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस समझ जाएगा। ये इसमें थोड़े स्क्रैचेस लगने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये थोड़े उतने हाई क्वालिटी का नहीं है। और यहाँ पे बैक साइड में एक बटन दिया गया है, किसी तरह का एलईडी इंडिकेटर नहीं है यहाँ पे। अंदर एयरपॉड्स वन में अंदर रहता है और एयरपॉड टू में बाहर रहता है, तो किसी तरह का एलईडी इंडिकेटर नहीं है। तो जैसे ही हम एयरपॉड्स को बाहर निकालते हैं आप देख सकते हैं स्ट्रेट अवे पेयरिंग मोड में चले जाते हैं। इसमें दोनों में लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो गए, तो इसका मतलब ये कि पेयरिंग मोड में चले गए। तो आप इसको स्ट्रेट अवे बाहर निकाल के आप अपने सीधे अपने कान में लगा सकते हो। तो देख सकते हो कि सिर्फ एक में लाइट ब्लिंक हो रहा है और एक में ब्लिंक नहीं हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग में ब्लिंक हो रहा था अभी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला ईयरपीस जो है वो इसके साथ पेयर हो चुका है। तो इसके अंदर यहाँ पे चार्जिंग पिन आप देख सकते हैं। तो अगर ये कनेक्टेड है आप स्ट्रेट अवे इसको अंदर रखते हो तो स्ट्रेट अवे इनकी पेयरिंग जो है अपने आप बंद हो जाती है, स्ट्रेट अवे ये चार्जिंग मोड में चले जाते हैं। फिर से मैं इसको आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। अभी इसको बाहर निकाला और मैं यहाँ पे फोन ऑन करता हूँ। मैंने पैर करके रखा है पहले से ये वाले फोन के साथ। इसको यहाँ पे आप सीधा ब्लूटूथ में जाओ, देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टिंग आ रहा है, कनेक्टेड। तो बहुत इजी है इसको कनेक्ट करना, कनेक्टिविटी काफी अच्छा है इसका। तो मैं इसका एक पूरा कंप्लीट रिव्यू बताऊंगा मैं एक अलग से वीडियो बना के। तो आज के लिए वीडियो लिए बस अनबॉक्सिंग था। तो आपको समझ आया होगा कैसे है ये प्रोडक्ट दिखने में और क्वालिटी कैसा है, ईयरपीस कैसा है। इसमें किसी तरह का सेंसर्स यहाँ पे सामने की तरफ कोई सेंसर नहीं है, जैसे कि एप्पल की तरफ उसमें किसी कान से निकालो पॉज होता है, ऐसे कोई सेंसर नहीं है।
तो इसमें टच सेंसर्स है जो कि मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा एक रिव्यू के वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।